हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हस्मिता एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नमक पारे की रेसिपी, और आज हम इसे मैदे की बजाय गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बोल, उसमें डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने आटे को छान कर इस्तेमाल किया है। फिर इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी डालने से जो मटर है वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून दरदरी कुटी काली मिर्च, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालना बहुत ही जरूरी है, ये हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना ना डालें। फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे मोइन। मोइन यानी कि घी या फिर ऑयल, जो कि हमारी मठरी को बहुत ही खस्ता बनाने में मदद करता है। और यहाँ पर मैंने लगभग 5-6 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं, जब मैं आटे को अपने हाथ में दबा रही हूँ तो ये अच्छी तरह बाइंड हो रहा है, यानी कि इंडिकेशन है जो हमारा मोइन है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को हम यहाँ पर धीरे धीरे कर ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमें आटा लगाना है वो पूड़ी के आटे से थोड़ा सख्त लगाना होगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पानी को धीरे धीरे कर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे हथेलियों की मदद से। अब आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह लग चुका है, और यहाँ पर जो मैंने 1/2 कप पानी लिया था उसमें से भी थोड़ा सा पानी बच गया है। अब इसे ढककर रख देंगे एक मलमल के कपड़े से, या फिर आप एक प्लेट से भी ढककर रख सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा डो भी अच्छी तरह सेट हो चुका है। एक बार फिर से मसल लेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। आप देख सकते हैं आटा एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब हम डो को लेंगे और उसे 2 पोर्शन में कट कर देंगे। फिर उसमें से 1 पोर्शन को लेंगे और उसे अपने हाथों में लेकर रोल कर लेंगे, एक बॉल की शेप दे देंगे। फिर इसे रोलिंग पिन से फ्लैट कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हम चपाती बनाते हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। बस इसमें जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जो हमारी लोई है वो काफी बड़ी थी। ते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, नहीं तो जो हमारे मटर हैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। फिर मैंने इसे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट कर दिया है, आप मटर का साइज़ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे मटर का फर्स्ट बैच बनकर तैयार है, और मैंने यहाँ पर जो ऑयल है वो ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये जो ऑयल है वो मीडियम गरम है। इसमें एक एक कर मटर डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आप मटर को कभी भी बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाएं, नहीं तो मटर ऊपर से बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो जब तक ये मटर फ्राई होते हैं, हम अपना दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेते हैं। सेकेंड बैच को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो जाए। तो हमारा सेकेंड बैच भी बनकर तैयार है। तब तक हम अपने फर्स्ट बैच में जो मटर फ्राई करने के लिए डाले थे उसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में मटर एकदम अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब सेकेंड बैच को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में हमारे मटर एकदम परफेक्टली फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।